कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दलित बहुजन समाज की हकमारी का मुद्दा खूब उठाया था, लेकिन अब उसी कांग्रेस की सरकार दलित की भलाई के लिए बनाए गए SC/ST फंड का पैसा दूसरे कामों में खर्च कर रही है। कांग्रेस की अगुवाई में चल रही कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने दलितों की भलाई के लिए आवंटित किए गए पैसों को कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को पूरा करने में लगाने का फैसला किया है। दलितों की हकमारी की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार अब खुद ही SC/ST वर्गों की हकमारी कर रही है। सिद्धारमैया सरकार शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के पैसों को चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक की सरकार SC/ST सब प्लान का 37% बजट अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च करेगी। हैरानी की बात यह है कि राज्य का SC/ST सब प्लान कानून कहता है कि कर्नाटक सरकार को कुल बजट का 24.1% SC/ST की भलाई के लिए खर्च करना होगा, लेकिन सिद्धारमैया सरकार ऐसा नहीं कर रही। इस साल कर्नाटक सरकार ने SC सब प्लान में 37,673.96 करोड़ रुपए और ट्राइबल सब प्लान में 11,447.51 करोड़ आवंटित किए हैं, लेकिन इस कुल आवंटित फंड में से 14,730.53 करोड़ रुपए चुनावी गारंटियों को पूरा करने में खर्च किए जाएंगे। यानी जो पैसा SC/ST की भलाई के लिए खर्च किया जाना था उसे अब अन्य चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के सिद्धारमैया सरकार कह रही है कि ये पैसा SC/ST के लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही खर्च किया जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा, SC/ST सब प्लान के पैसे से हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे SC/ST कैंडिडेट्स को मासिक 10,000 की आर्थिक मदद की जगह अब हर महीने 15,000 रुपए देंगे। हम दिल्ली में SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एक हॉस्टल और लाइब्रेरी भी बनाएंगे। हम SC/ST पोस्ट ग्रेजुएट्स को लैपटॉप देंगे जिसमें 91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हम 60 जगहों पर SC/ST बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल भी शुरू करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिद्धारमैया सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और दलित आदिवासियों की भलाई के लिए आवंटित पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए SC/ST के फंड का इस्तेमाल करना जायज है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ गारंटी दी थी, लेकिन SC/ST की भलाई के लिए जो गारंटी दी गई थी उसे पूरा करने के लिए अलग से कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पहले से ही SC/ST सब प्लान में आवंटित राशि को इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी SC/ST को एक तरह से कुछ भी नहीं मिला। उन्हें पहले गारंटी दी गई, लेकिन उस गारंटी को पूरा करने के लिए अलग से फंड ना देकर उनके लिए पहले से ही आवंटित फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दलितों और आदिवासियों को नया क्या मिला? जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि कर्नाटक का SC/ST सब प्लान कानून कहता है कि कर्नाटक सरकार को कुल बजट का 24.1% SC/ST की भलाई के लिए खर्च करना होगा। यानी ये कानून है कि इतना पैसा तो SC/ST के लिए आवंटित करना ही होगा। ऐसे में SC/ST को चुनाव में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस दलित आदिवासियों को एक नया पैसा नहीं दे रही, बल्कि उन्हीं को पहले से दिए जा चुके पैसों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपको अपने चुनावी वादे पूरे करने ही नहीं थे तो फिर घोषणा पत्र में नई नई गारंटियां क्यों दी गई? मामले ने तूल पकड़ा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सियासी हलकों से भी कांग्रेस सरकार के इस कदम की निंदा हो रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए SC/ST सब प्लान से पैसा निकाल रही है। SC और ST के लिए निर्धारित फंड में से 14,730 करोड़ रुपए का उपयोग कांग्रेस द्वारा वादा की गई 5 गारंटी योजनाओं के लिए किया जाएगा। ये दलितों और आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है जो कर्नाटक में सबसे अधिक हाशिए पर है। कांग्रेस को दलितों और आदिवासियों से प्यार नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ दलितों और आदिवासियों का वोट पसंद है। BJP बराबर कांग्रेस, शर्म करो। हैरान करने वाली बात यह है कि सिद्धारमैया सरकार ऐसा तब कर रही है जब कांग्रेस के मुखिया की कुर्सी पर एक दलित व्यक्ति ही बैठा है और लोकसभा चुनाव में दलित आदिवासियों ने कांग्रेस को भरपूर सहयोग किया। ऐसे में ये दलित आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? दलितों और आदिवासियों की भलाई के लिए कांग्रेस को और ज्यादा फंड आवंटित करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा ना करके दलितों आदिवासियों की जेब में पड़े पैसों को ही खर्च करने का फैसला किया। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए कांग्रेस सरकार की आलोचना हो रही है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।